हे प्राण प्रिय रानी दैवंती, पति महाराज के लिए दंड स्वीकार हो, चरण जीव रहो प्रिया। पति महाराज, अब मैं 12 वर्ष की सूखा लेकर के आया हूँ, तुम लोग यहाँ शांति न बैठे थे, पर प्रिया मुझे भूख लग रही है। पति महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी जोर मुझे भूख लग रही है प्रिया कि मेरे प्राण जा रहे हैं। पति महाराज चुपचाप बैठ जाइए, मैं अभी अंदर को जाती हूँ और जाकर के आटा लेकर के थोड़ा तुम्हें मैं भोजन बना करके अभी खिलाती हूँ। जाओ प्रिया, घर जाओ और देख करके आओ और भोजन बना के मुझे खिलाओ, मेरा दम जा रहा है। जैसे ही देवंती अंदर को जाती है, हरे आटा को देखा है, डर करके हाथ जब देखा है उसमें कीड़े हो जाते हैं, माल खजाना चल करके कोयला हो जाता है। रानी देवंती रीते हाथ लौट करके अपने जाकर के पति महाराज से क्या कहने लगी? हे भगवान, मोती दुखी अब विपत की मारी विपत्ति में रही, आज मैंने अपनी चलाई और मैंने सूखा मंगवाई, मगर आज मेरे पति महाराज कह रहे कि मुझे भूख लगी, मैं आटा कहाँ से लाऊंगी और मैं अपने पति को भोजन करके खिलाऊंगी। माँ जब पीपा खोल के देखती है उसमें कीड़े निकलते हैं, माल खजाना देखा है तो सारा कोयला हो जाता है, रानी देवंती।
पति महाराज कुछ कह नहीं जाता मुझसे। क्या प्रिया घर में कुछ मिला नहीं तुम्हें? जिस हड़िया और मलैया में हाथ डालती हो उसमें कीड़े नजर आ रहे हैं। पति मेरा और आप हमारे भाभी और भैया के घर चली जाओ और
और हमारी भाभी से कहना एक शेर आटा वहां से ले आओ, अगर मुझे भोजन न मिला तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बहन के घर चली जाओ, आटा नहीं मिला तुम्हें क्या तुम्हें जवाब दूंगी, चली तो जाओ। अरे हमारे नहीं है तो भैया भाभी के घर जरूर होगा। नन्नेलाल दीपा रानी चा नन्नेलाल महाराजा भौरन, हमारी बहन बिटिया भी सुन रही हो किसकी आजकल की पति बत्ता थोड़ी मिलेगी। तुम कैसे आई हो, क्या बात है? बहन जी मैं तुम्हारी घर पे आई हूँ। बतला बहन जी, आज मैं विपत की मारी हूँ बहन जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तुम्हारी पेड़ पर रही हूँ, मगर सुनो ठहर जाओ। किस बात है, क्या बात, किस बात के लिए तुम आई हो बहन जी? बहन जी एक काम करो। बोलो। मेरे आदमी चक्की बगे उड़ा रहे आए पिसो ना है। बहन जी मैं बहुत दुखी की मारी हूँ जिलेदार। अरे Thank you.